लेट अस स्टार्ट। आई होप कि अगर मैं कुछ इंग्लिश वर्ड्स बीच बीच में इस्तेमाल कर लूँ तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर होती है तो आप लोग मुझे क्वेश्चंस क्वेश्चन आंसर सेशंस में पूछ सकते हैं। जिन लोगों को मेरे बारे में पता है वो तो ठीक है, लेकिन देर आर मेनी न्यू फेसेस, तो मैं एक मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई नेम इज भूषण कष्टीकर। आई एम बेस्ड आउट ऑफ नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ और एस्ट्रोलॉजी ये मेरी हॉबी है, कई सालों से पढ़ रहा हूँ। और लेटली मेरे पढ़ाई के वक्त मुझे एक बात ध्यान में आई कि कई सारे लोग पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ता है। ज्योतिष कोई आसान चीज नहीं है कि आपने क्लिक दबा दिया और मोबाइल एप्लीकेशन के तरह काम करना शुरू कर दिया। तो एक बात मैंने ऑब्जर्व करी कि कई सारी शाखाएं हैं ज्योतिष में, और जब किसी ज्योतिष का हम प्रेडिक्शन सुनते हैं तो कई बार वो कई शाखाओं को मिक्स कर देता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग एक विषय को इस सेशंस में लेंगे और हर विषय के ऊपर, चाहे वो शादी हो या तलाक हो या डिवोर्स या फिर जॉब हो या वास्तु हो, और अलग अलग शाखाओं में इसका प्रिडिक्शन कैसा करें या क्या क्या उनके नियम है, क्या उनके टेक्निक्स है, इनका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। इसमें आप लोगों के सुझाव सुझाव जो भी रहेंगे वो आप मुझे भेजते रहिए ताकि हम लोग इस वेबिनार को और अच्छा कर पाए। तो आज का जो टॉपिक है, आज ये पहला ही वेबिनार है और आज का जो टॉपिक है वो है कार्मिक। हम सब लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में कर्म को बहुत विशेष महत्व दिया गया है। सनातन धर्म का मानना है कि किसी भी मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है वो उसके कर्मों के अनुसार ही होती है। अब इन कर्मों का जो विश्लेषण है कि वो कौन से अच्छे कर्म है और कौन से बुरे कर्म है, ये हम लोगों को कई सारे ग्रंथों में मिलते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है गीता। तो गीता में कृष्ण भगवान ने कर्मों के बारे में एक गाइड समझ लीजिए, एक डायरेक्शन बता के रखी है कि कौन से कर्म अच्छे होते हैं, कौन से कर्म बुरे होते हैं। तो ये कर्म का रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? तो जो चित्रगुप्त है, चित्रगुप्त जिसे भगवान का भगवान माना जाता है, जो सारी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ये माना जाता है योगिक संस्था में कि जो हमारे कंधे होते हैं, जो शोल्डर होते हैं, इसमें चित्रगुप्त होता है और वो गुप्त रूप से चित्रित करता है हमारे जितने भी कर्म होते हैं, उन कर्मों को वो लिखता है और इसलिए उसको चित्रगुप्त कहा जाता है। अब ये जो गुप्त रूप से चित्रित किए गए आपके कर्म हैं, ये आपके चित्त में रखे जाते हैं, जो आपके साथ आपके हर जन्म में आपको मिलते रहेंगे। तो कर्म कर्म तक तो ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि कर्म जो है वो एक जन्म से लेके उसके अगले जन्म में भी उसके रिजल्ट मिल सकते हैं। हो सकता है कि वहां पर अगर वो पूरे ना हो तो उसके अगले जन्म में भी मिल सकते हैं। लेकिन फिर कार्मिक क्या होता है? क्योंकि ज्योतिष में कार्मिक ये वर्ड बहुत पॉपुलर हुआ है पिछले 10 सालों में। आप मान लीजिए कि 2005 के बाद से कार्मिक ये वर्ड के ऊपर काफी प्रोपोगंडा चला है, काफी लोगों ने इसके ऊपर काफी सारी किताबें भी लिखी है, कई सारे आर्टिकल भी लिखे गए। तो मेरा अपना जो सीमित ज्ञान है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया, ये फाइल भी आप लोगों के साथ सेव हो जाएगी जिसमें मेरा नंबर भी है। अगर फ्यूचर में आप लोग मुझे कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो कर्म क्या होता है? कर्मा इज नॉट एन एक्शन। कर्मा यूजुअली डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, जो व्याख्या दी गई है, तो हर किसी को, मैं ज्योतिषों की बात नहीं कर रहा, ज्योतिषों का कर्मों के बारे में ज्ञान कुछ ज्यादा होता है, लेकिन एक आम व्यक्ति को, कॉमन मैन को ये लगता है कर्म जो वो करता है। लेकिन कर्म का डेफिनेशन ये है कि जो आपके विचार है उनको भी कर्म कहा जाता है। इसलिए एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब भी है कि वर्जिनिटी कैन बी लॉस्ट बाय थॉट। तो ये सत्य है कि आपके विचार भी आपके कर्म है। कर्म के दो प्रकार है, सबसे पहले विचार आपके मन में आएंगे, उसके बाद आपके शरीर के माध्यम से उनको पूरा किया जाएगा। जरूरी नहीं कि हर कर्म को व्यक्ति पूरा करता ही है, लेकिन विचार तो वो दिन भर करते रहता है। तो कर्मों के भेद क्या है? कर्मों को तीन प्रकार में
विभाजित किया गया है। पहला है क्रियामान कर्म, दूसरा है संचित कर्म और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। क्रियामान कर्म कहता है कि हम लोगों को जो भी इच्छा हुई उस इच्छा पूर्ति के लिए जो हम लोगों ने कर्म किया, जो एक्शन ली और उसका फल हमें मिल गया। जैसा भूख लगी, हमने खाना बनाया और हमने खाना खा लिया, तो ये क्रियामान कर्म है और वो यूजुअली उसी फेज में किसी पर्टिकुलर आवर पीरियड में या किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो पूरा हो जाता है। तो उसके रिजल्ट वहीं हम लोगों को मिल जाते हैं, उसके जो भी निर्णय रहेंगे वो हम लोगों को मिल जाएंगे। संचित कर्म होता है कि हम लोगों ने कई महीनों तक, कई दिनों तक प्रयास किया और फिर उसका फलस्वरूप हमको फल प्राप्त हुआ। जैसे कि एग्जाम की पढ़ाई, तो रिजल्ट जो आता है वो साल भर हम पढ़ाई करते हैं और उसके 3-4 महीने बाद रिजल्ट आता है, तो वो हम लोगों का संचित कर्म। ये एक जस्ट मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्रारब्ध कर्म ये होता है कि जो एक जीवन में निरंतर व्यक्ति करता है और जिसके फल उस जीवन में या उसके अगले जीवन में या उसके अगले जीवन में भी उसको मिल सकते हैं। तो संचित और प्रारब्ध कर्म जो है वो हमारे अगले जीवन में जा सकते हैं। तो इन्हें याद रखने की हमें जरूरत है। संचित कर्म क्या होगा और प्रारब्ध, संचित और प्रारब्ध ही कर्म ऐसे रहेंगे जो अगले जीवन में जाएंगे। तो कार्मिक क्या होता है? कार्मिक ये होता है ज्योतिष के माध्यम में, कार्मिक उसे कहते हैं कि हर व्यक्ति की एक अपनी कुंडली होती है। जिस वक्त वो जन्म लेगा उसकी एक कुंडली तैयार हो जाती है। उस कुंडली में देखकर हम ये बता सकते हैं कि जीवन के कौन से ऐसे विभाग है, कौन से भाग है जिन भागों में उसको परेशानियां बनी रहे। तो कार्मिक से ये पता चलता है कि व्यक्ति को कुंडली में जो कुछ नियम दिए गए हैं उसके हिसाब से परेशानियां, अप्स एंड डाउन्स कहां कहां पे रहेगी, वो कैसे देखना है, उसके क्या उपाय होते हैं, ये मैं अभी बताऊंगा, तो उसे कार्मिक कहा जाता है। तो कर्म और कार्मिक के बीच का जो डिफरेंस है वो अभी मैंने यहां क्लियर कर दिया। तो कर्म क्या होता है और क्या कारण है कि व्यक्ति को जीवन बार बार लेना पड़ता है, कर्म कब पूरे होते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये अध्यात्म का विषय है पर मैं उसको एक जस्ट डेफिनेशन के तौर पे या व्याख्या के तौर पे बताने की कोशिश करूंगा। होता यह है कि व्यक्ति के मन में विचार हमेशा चलते रहते हैं। विचारों का स्वरूप इच्छाओं का ही होता है। उसके व्यक्ति में हमेशा इच्छा होती है। इच्छा जो होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय राहु। राहु ये इच्छा को दर्शाता है। जो डिजायर्स होती है वो राहु दर्शाता है। चंद्रमा जो है वो उस इच्छा का स्टोरेज है। इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है और कुंडली बनाई जाती है तो चंद्र जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र स्वामी की महादशा सबसे पहले शुरू होती है। तो चंद्र को सबसे ज्यादा मान्यताएं क्यों? हम लोगों ने हर ज्योतिष से यह सुना हुआ है कि लगन कुंडली में लगन को जितना महत्व होता है उतना ही चंद्र को होता है। मेरा मानना यह है कि लगन को तो डेफिनेटली होता है, जो किसी भी व्यक्ति का स्वरूप, वर्णन, विचार पद्धति ये बता देगा। लेकिन चंद्रमा जो है वो उसके जीवन में जो उसकी इच्छाएं पहले रह गई थी उन इच्छाओं की पूर्ति कैसे होने वाली है, किस पद्धति से वो पूर्ति होगी, या जो उसके भोग रह गए हैं, हो सकता है कि उसने कुछ बुरे कर्म भी किए होंगे तो उन बुरे कर्मों का भी सेटलमेंट होगा और जो अच्छे कर्म रहेंगे उनका भी उसको रिजल्ट मिलने वाला है। तो वो किस स्वरूप में मिलेगा, उसका सिक्वेंस क्या होगा, ये हम लोगों को महादशा बताती है। तो जीवन मिलने का कारण है इच्छाएं। इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है राहु, राहु माने डिजायर, और उनका जो स्टोरेज होता है वो होता है चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र स्वामी से ही हम महादशा की गणना करते हैं। इसलिए आप जब क्लासिक्स पढ़ेंगे, कई सारे बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हर ऑथर ने एक स्टेटमेंट जरूर दिया हुआ है कि सारी महादशाओं, सारी प्रकार की दशाओं में विंशोत्तरी दशा ये सबसे उत्तम मानी गई। दैट इज द मदर ऑफ ऑल द दशाज वी यूज इन एस्ट्रोलॉजी। इसका कारण यही, तो मून बीइंग अ स्टोरेज ऑफ डिजायर, सो दशा स्टार्ट्स फ्रॉम द मून। अब हम आते हैं कि पेंडिंग कर्मा क्या होता है। पेंडिंग कर्मा देखने के क्या क्या तरीके, तो जहां तक मुझे पता है वो तीन है। पाराशरी में कई और शाखाओं में अलग अलग तरीके हैं जो हम फ्यूचर में देखते रहेंगे, तो आज तो पाराशरी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करूंगा। किसी भी कुंडली में शनि जहां
विराजमान होते हैं, शनि महाराज जहां विराजमान होता है, उस भाव को पेंडिंग कर्मा कहा जाता है। हम अभी एग्जांपल भी देखेंगे कि शनि जहां पे बैठेंगे, शनि महाराज जहां भी बैठेंगे, वहां पर उससे रिलेटेड उस व्यक्ति के उस जीवन के लिए पेंडिंग कर्मा है। पेंडिंग कर्मा का मतलब यह है कि वो सारे कर्म जो उनके पिछले जन्म में रह गए हैं, वो इस जन्म में यहाँ पर पूर्ति होने की शक्यता है और उसी डायरेक्शन में उस व्यक्ति का जीवन चलेगा। दूसरा है राहु और केतु। राहु केतु का जो एक्सिस है, ये बहुत ही मिस्टेरियस एक्सिस है। इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी ज्योतिष अच्छे तरीके से जान पाया है, बट इसके ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत सारे मास्टर्स ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरा अपना मानना यह है कि राहु केतु एक्सिस जो भावों में होता है, उन भावों से रिलेटेड व्यक्ति के कर्म हमेशा ही बने रहते हैं, उससे रिलेटेड वो निरंतर प्रयास करता रहेगा। क्योंकि कर्म जब होंगे तो ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि व्यक्ति उस भाव से रिलेटेड सारे कर्म करता रहेगा जीवन में, उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। उसके मन में जो इच्छाएं आएंगी, जो डिजायर्स आएंगे, वो उसी भाव से प्रेरित होते रहेंगे। और एक मान्यता यह है कि 12वां भाव ये आपके कर्म बताता है, लेकिन अभी ऐसा हो सकता है कि 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो, सिर्फ राशि हो, तो फिर राशि का इंपॉर्टेंस लेते हुए किसी भी राशि का जो एक व्याख्या है, राशि के बारे में बताया गया है, काल पुरुष कुंडली में राशि जिस स्थान में आती है, उस स्थान से संबंधित लेके हम लोग कर्म क्या करना चाहिए या क्या कर्म होंगे ये बता सकते हैं। अब ये हो गया कर्म जो हम लोगों को जीवन में करने हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी व्याख्या। अभी हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अब ये कुंडली ले लीजिए, ये तो मैंने अभी कुंडली बनाई हुई है आज की, कि शनि यहां पर कहां बैठे हैं। शनि यहां पे तीसरे भाव में बैठे हैं, तो तीसरे भाव का संबंध क्या क्या हो सकता है। तीसरे भाव का संबंध ट्रैवल से हो सकता है, तीसरे भाव का संबंध लाइजनिंग से हो सकता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या अपना भी डॉक्यूमेंटेशन हो गया। तीसरे भाव का संबंध ससुर से हो सकता है क्योंकि पत्नी से वो नवा स्थान है। तीसरे भाव का संबंध छोटे भाई बहनों से हो सकता है। तीसरे भाव का संबंध किताबों से हो सकता है, जो लोग राइटिंग करते हैं, बुक्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, उससे हो सकता है। तो ये सारे उस व्यक्ति के पेंडिंग कर्मा, इससे रिलेटेड वो व्यक्ति जीवन में जरूर कोई ना कोई काम करेगा ही करेगा। अब देखते हैं राहु और केतु क्या कर रहे हैं। राहु और केतु, केतु लग्न में बैठे हुए हैं और राहु महाराज सातवें स्थान में बैठे हुए हैं, तो स्वयं और पत्नी, इसका संबंध इस कर्म से जरूर जुड़ेगा। अब इनके ऊपर क्या क्या ग्रहों के प्रभाव आते हैं, उस हिसाब से उसके रिजल्ट बदलेंगे। साथ में जो महादशा चलेगी उससे भी उसका रिजल्ट बदल जाएगा। पर अगर हम लोगों को मोटे तौर पर देखना है कि कर्म किस भाव से रिलेटेड रहेंगे, जो कर्म इस जीवन में करना है, तो वो यहां से पता चल जाएगा। अब यहां पर देखिए कि 12वें भाव में शुक्र और बुध आ गया, तो अभी हम यहाँ पर सीधा बता सकते हैं कि क्योंकि सातवें भाव का संबंध राहु और केतु से आ रहा था, साथ में शुक्र 12वें स्थान में बैठा हुआ है, तुला राशि में बैठी है, तो कर्मों का संबंध या जो भी कर्म बचे हुए हैं या ये जीवन में जो कर्म उनको करना है, वो सातवें भाव से रिलेटेड जरूर रहेंगे। क्योंकि शुक्र पिक्चर में आ गया, बुध भी पिक्चर में आ गया, तो वो व्यवसाय भी हो सकता है और पत्नी भी हो सकती है। तो ये एक हम लोगों का छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे एक आइडिया मिल जाएगी। अभी हम देखेंगे कि कार्मिक क्या होता है। इंटरेस्टिंग पार्ट तो कार्मिक का है, क्योंकि कार्मिक हमें बताता है कि जीवन में व्यक्ति के किन भावों से रिलेटेड परेशानियां बनी रहेगी। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, किन भावों से रिलेटेड परेशानियां बनी रहेगी, तो उन भावों में हमेशा ऊंच नीच चलती रहेगी, अप्स एंड डाउन से हमेशा चलते रहेंगे। आप हमेशा देखेंगे, अभी जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा उससे आपको पता चल जाएगा कि किसी भी कुंडली में देखने के बाद आपको तुरंत ये पता चल जाएगा कि ठीक है, इस व्यक्ति के जीवन में ये एरियाज में तो हमेशा प्रॉब्लम चलते रहे, उसके क्या उपाय देना है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो इसमें 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 तीन प्रकार के, सबसे पहले है राहु केतु एक्सिस। राहु और केतु जहां पर भी होते हैं, उन भाव से रिलेटेड ये परेशानियां देते हैं, चाहे वो ऊंच के हो या नीच के, उससे फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि उनका काम है कार्मिक। कार्मिक का मतलब है अप्स एंड डाउन्स, उन भावों में, भावों से रिलेटेड चीजों में वो हमेशा ऊंच नीच करते रहेंगे। दूसरा है दग्ध राशि। दग्ध राशि ये पंचांग से रिलेटेड टॉपिक है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरा है 6, 8, 12 भाव का कनेक्शन। तो आइए देखते हैं दग्ध राशि। सबसे पहले राहु केतु एक्सिस तो अभी ऑलमोस्ट सभी को पता है, जैसा अभी हम लोगों ने इस कुंडली में देखा था कि राहु और केतु जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव से रिलेटेड आपको कार्मिक चीजें दे देंगे। कार्मिक का मतलब है कि वहां पर ऊंच नीच होगी। तो आप इस व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि ये अभी की जस्ट कुंडली है, इसका नाम तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति खुद से भी परेशान रहेगा और पत्नी से भी परेशान रहेगा। व्यवसाय रहेगा तो व्यवसाय में भी परेशानी रहेगी, पार्टनरशिप में भी परेशानी रहेगी। अब दग्ध राशि क्या होती है? अब हम लोगों को पता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जगन्नाथ पुरा है, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, राव साहब ने बनाया हुआ है, और ये एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। मैंने इसका यूज काफी किया है और इसका एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, तो मैं रिकमेंड भी करूंगा कि आप लोग इसको भी यूज करें साथ में जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं। कहीं कहीं आपको थोड़े चेंजेस मिलेंगे। तो जब भी किसी व्यक्ति का हम कुंडली बनाएंगे तो कई सारे सॉफ्टवेयर से जो तिथि देते हैं, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको तिथि लिख के आएगी। तिथि है शुक्ल अष्टमी। शुक्ल अष्टमी का एक टेबल, सारे तिथियों का एक दग्ध राशि का टेबल होता है कि अष्टमी जेमिनी और वर्गो लिखा हुआ है, इसका मतलब है मिथुन और कन्या, और इनका जो डाइटी है, जो इनका रूलर है, जो इनका भगवान है, वो है रुद्र। तो अभी हम देखेंगे कि अष्टमी में मिथुन और कन्या इस लगन के लिए, इस कुंडली के लिए कहाँ है। तो आप देखिए 8वां स्थान और 11वां स्थान। तो दग्ध राशि का मतलब है, दग्ध मीन्स जलना, दग्ध का लिटरल मीनिंग है जलना। तो ये हमेशा जलते रहेंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम बनी रहेगी। मुझे कई सारे मैसेज आ रहे हैं, एक बार देख माय वॉल्यूम। I am recording, you don't worry, I am recording it. Sir, I can't join. So I am recording it, don't worry. It will be available on YouTube as well. So hum the dagdha rashi. So dagdha rashi ye hame batayegi ki kis bhav mein pareshaniyan bani rahengi jo ki karmik ho gaye। तो इस व्यक्ति के लिए 8वां भाव, अभी 8वां भाव क्या बताता है? अचानक से घटने वाली घटना है, एक्सीडेंट, इंसल्ट, जितने भी अपमान होते हैं, साथ में आपकी इनलॉज भी बताता है, क्योंकि 7वें भाव का ये दूसरा स्थान है। तो 7वें भाव का दूसरा स्थान फैमिली हो गया, तो पत्नी के जितने भी सगे संबंधी है, जो परिवार है, वो भी बताता है, इनसे परेशानी बनी रहेगी। 11वां है तो लाभ का। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग ये बता सकते हैं कि क्योंकि आपकी दग्ध राशियां 8वें में और 11वें में जा रही है, तो आपके इनलॉ से संभाल के संबंध बना के रखिए। और 11वें भाव का संबंध है तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना नाम मत लगाइए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न नहीं आएंगे। 11वां भाव लाभ का होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने दोस्तों से भी परेशानी होती है, संस्थाओं से परेशानी होती है, क्योंकि 11वां भाव ये NGO का भी माना जाता है, मित्र परिवार का भी माना जाता है, बड़े भाई का भी माना जाता है, हर प्रकार की विश फुलफिलमेंट के लिए 11वां भाव देखा जाता है। अब आते हैं हम हमारे तीसरे टॉपिक पर कि कार्मिक कैसे देखेंगे। एक राहु केतु का एक्सेस हो गया जिससे हमें 2 भाव मिल जाएंगे, दग्ध राशि हो गई, दग्ध राशि का टेबल है जो इस प्रेजेंटेशन में दिया गया है। वैसे भी आप अगर गूगल कर लें तो आपको इमेजेस में दग्ध राशि का टेबल मिल जाता है काफी आसानी से, ये पंचांग में भी मिलता है। और 6, 8, 12 का कनेक्शन। तो 6, 8, 12 का कनेक्शन क्या होता है, ये मैं आपको अभी बताने की कोशिश करूंगा। इस कुंडली में ये देखिए कि 6, 8, 12 में कौन सी राशियां आ गई। अब इन्हें मैं थोड़ा एनोट कर दूं, आसानी हो जाएगी। इसमें पहली राशि आ गई, इसमें तीसरी राशि आ गई,
और इसमें सातवीं राशि आ गई, ठीक है। तो अगर पहली राशि आ गई, तीसरी राशि आ गई और सातवीं, तो हम पहले भाव को देखेंगे जो कि हमारा कार्मिक हो गया, तीसरे भाव को देखेंगे जो हमारा कार्मिक हो गया, और सातवें भाव को देखेंगे जो हमारा कार्मिक हो गया। तो अभी यहां पर इंटरेस्टिंग होगी बात, राहु केतु के एक्सिस में भी सातवां भाव है और सातवीं भाव की राशि बारहवें स्थान में होने की वजह से भी कार्मिक हो गई है। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि पत्नी से संबंधित, व्यवसाय में अगर कोई पार्टनर है तो उससे संबंधित या व्यवसाय से संबंधित किस व्यक्ति के जीवन में ऊंच नीच हमेशा रहेगी। सातवां स्थान ये हर प्रकार के रिलेशनशिप का भी माना जाता है, सिर्फ पत्नी के लिए नहीं, लेकिन हर प्रकार की रिलेशनशिप हम लोग सातवें भाव से देखते हैं। तो अगर सातवें भाव से देखते हैं तो हर प्रकार की रिलेशनशिप में इस व्यक्ति को प्रॉब्लम होगा, आप ये कंफर्म कर सकते हैं। अभी और एक एग्जांपल ले लेंगे, तो यहां पर देखिए हम लोगों को कार्मिक ढूंढना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इनके जीवन में पेंडिंग कर्मास क्या है। पेंडिंग कर्मा के हमारे क्या रूल थे, जहां पर शनि महाराज होते हैं वो पेंडिंग कर्मा है, राहु केतु का एक्सेस भी पेंडिंग कर्मा है और बारहवां भाव भी पेंडिंग कर्मा बताता है, ठीक है। तो शनि महाराज यहाँ बारहवें भाव में बैठे हुए हैं। अभी हम कोई राशियों की बात नहीं कर रहे, हम कोई युति दृष्टि किसी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ भावों को देख रहे हैं, हम सिर्फ कुछ ग्रहों को देख रहे हैं। तो बारहवां स्थान इसमें आ गया, उसके बाद राहु केतु का जो एक्सिस है, एक शनि महाराज हो गए जो पेंडिंग कर्म बताएंगे, उसके बाद में राहु केतु का एक्सिस जो पेंडिंग कर्म बताता है, और तीसरा है बारहवां स्थान। तो शनि बारहवें स्थान में, इनके जो कर्मा है, जो चीजें इन्होंने जीवन में करनी है या ये जो चीजें इनको जीवन में मिलने वाली है वो बारहवें स्थान से रिलेटेड है। बारहवां स्थान होता है हॉस्पिटलाइजेशन का, बारहवां स्थान होता है पैसे खर्चे करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, फॉरेन जाने का। क्योंकि मैं इनको अच्छे तरीके से जानता हूँ तो ये फॉरेन भी कई बार गई है और हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर भी इनका बहुत सारा खर्चा हुआ है, क्योंकि शनि महाराज खुद है, जो शनि महाराज का खुद का कारकत्व है जो बीमारियां बताता है, अपने ऊपर भी हुआ है और उनके परिवार पे भी हुआ हुआ है। तीसरे भाव में राइटिंग्स आते हैं, नवे भाव से फिर से फॉरेन आता है, तो फॉरेन का कनेक्शन बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो इनका जो कर्मा पेंडिंग था पिछले जन्म से, जो इनको कर्म मिलने वाले थे, जिनके रिजल्ट मिलने वाले थे, वो रिजल्ट सारे के सारे फॉरेन रिलेशन में आ रहे हैं। तीसरा भाव भी शॉर्ट जर्नी दिखाता है, नाइन्थ भाव जो है, नवा भाव जो है वो लॉन्ग जर्नी दिखाता है, बारहवां भाव जो है वो तो परदेश ही दिखाता है। तो इन्होंने जीवन में बहुत सारी परदेश की यात्राएं की करी है, कम से कम 10 बार तो यात्राएं इन्होंने कर ली होगी। अभी हम देखेंगे कि इनके कार्मिक कनेक्शन क्या है। तो सबसे पहला कार्मिक कनेक्शन कौन बताता है, दग्ध राशि। अभी देखिए इनकी तिथि क्या है, इनकी तिथि है सप्तम। हम देखते हैं कि सप्तमी के लिए कैंसर और सैजिटेरियस, कैंसर का मतलब कर्क होता है, सैजिटेरियस बोले तो धन राशि होती है। यहां मैं मार्क कर दूं, कैंसर और धन राशि हो गई 8%। अभी जो राहु केतु एक्सेस है, उस राहु केतु एक्सेस को भी हम मार्क कर लेंगे। अभी हम कार्मिक देखें और अभी हम देखेंगे 6-12 का कनेक्शन क्या कहता है। सातवां भाव कह रहा है, फिर नवा भाव भी कह रहा है, नवा राशि सॉरी सातवीं राशि कह रही है, फिर नवी राशि कह रही है, नवा भाव बोल लीजिए और फिर पहला भाव। तो इनके जीवन में यहाँ पर अप डाउन बहुत रहेंगे,
देखते हैं कि अप डाउन कहाँ कहाँ आने वाला है। पहली राशि है तो पहला भाव हो गया, सातवीं राशि है तो सातवां भाव हो गया, और नवी राशि है तो नवा भाव। अब देखिए अगर हम इनको मिलाने की कोशिश करें तो नवे भाव से रिलेटेड इनको ज्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि ये राहु केतु के एक्सेस में भी आ गया और साथ में 6-12 के कनेक्शन में भी आ गया। उसके बाद इनको पहले भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा और इनको सातवें भाव से रिलेटेड रहेगा, तो मैरिड लाइफ में तो काफी सारी परेशानियां रहेगी जो कि रही है इनकी, और इनके अपने भाग्य में बहुत परेशानियां रहेंगी। भले ही इनको फॉरेन जाने के कई सारे मौके मिले, इन्होंने पैसा भी बहुत कमा लिया, पैसा कमाना अपने आप में एक अलग बात है और उससे खुशी रहना ये अलग बात है। तो इन्होंने पैसा कमाया, ये फॉरेन चली गई, इनकी अपनी इच्छा भी डिजायर भी थी कि ये फॉरेन जाना चाहिए, तो ये फॉरेन भी गई। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड होने के बावजूद ये फॉरेन गई, और लेकिन इनके भाग्य ने इनको सपोर्ट नहीं किया, इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा जीवन में और ये खुश नहीं रहे। पैसा रहने के बाद भी, इच्छाएं पूर्ति होने के बावजूद भी मैरिज रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं रहा, मैरिज ब्रेक हो गया, इन लॉस की तरफ से भी प्रॉब्लम थी, और इनकी अपनी हेल्थ में भी काफी परेशानियां जीवन में चल रही, क्योंकि ये इनका कार्मिक, यहाँ पर अप डाउन हमेशा चलेंगे। तो दो चीजें हैं, सबसे पहली चीज मैंने बताया था कि पेंडिंग कर्म क्या है, मिक्स मत कीजिएगा। पेंडिंग कर्म वो है जिसके लिए आपको जीवन मिला है, तो उससे पता चल जाएगा कि व्यक्ति इस जीवन में किस क्षेत्र में किस भाव से रिलेटेड काम करेगा। और दूसरा है कि कार्मिक, कार्मिक का मतलब है कि कहाँ पर उसको अप डाउन फेस करनी पड़ेगी। काम तो वो कहीं ना कहीं करता रहेगा किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी भाव से, पर अप डाउन हमेशा उन एरियाज में रहेगी जहाँ पे राहु केतु का एक्सेस है, जहाँ पे दग्ध राशि आता है, और 6-8-12 में जो राशियां पड़ती है उन भावों से रिलेटेड। तो मेरा अपना मानना है कि दग्ध राशि और 6-8-12 का कनेक्शन अगर कहीं पर मिल जाता तो उस भाव से रिलेटेड सबसे ज्यादा परेशानियां रहती। तो आप हमेशा याद रखिएगा, हम लोगों को दो चीजें ढूंढनी है, सबसे पहले तो पेंडिंग कर्म, क्योंकि काफी लोग हमारे पास आते हैं तो वो पूछते हैं कि इस जीवन के लिए मेरा 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 उद्देश्य क्या है, मेरी डेस्टिनी क्या है। तो हम लोग डेस्टिनी निकालने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं कि शनि महाराज जहाँ पर होंगे, जिस भाव में बैठे होंगे वो भाव, राहु केतु का जो एक्सेस है वो भी भाव, वो दोनों के लिए यूज होता है, वो कार्मिक भी बताएगा और पेंडिंग कर्मा भी बताएगा। और दूसरी चीज कि अगर कोई पूछता है, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां होती है तो उसका भाव हम तुरंत ढूंढ सकते हैं दग्ध राशि के माध्यम से, 6-8-12 के कनेक्शन के माध्यम से और राहु केतु के माध्यम से। तो हम लोगों का आज का टॉपिक तो यहाँ पर पूरा हो गया, अभी आप लोगों के अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वन बाय वन। शायद आप लोगों को अनम्यूट अगर नहीं किया हो तो मैं कर दूंगा। हाँ, आप लोग अभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपका कोई प्रश्न है तो।